एमरॉन कंपनी को इससे मैसेज चले जाएगा कितना बेकार बैटरी बनाते थे। ये देखिए अभी एक नया प्रॉब्लम आ गया है इसके अंदर, हैंड ब्रेक डाउन है, लेकिन यहाँ पे हैंड ब्रेक दिख रहा है। एसी चालू है, एबीएस का कुछ इंडिकेटर आ रहा है, हैंड ब्रेक का आ रहा है। अभी ये क्या नई समस्या आ गई यार, शिट, एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई दूसरी प्रॉब्लम आ गई यार। यार ये बैटरी का प्रॉब्लम इशू आ गया है आज, हर एक चीज सिस्टम चाबी लगाने से ऐसा ऑन कर दिया, चाबी ऑफ था, मीटर कुछ नहीं बता रहा है, जीरो। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई यार, वेलकम बैक फॉर दिस टू अनदर ब्लॉग। तो गाइज आज जो है, आज का जो मेजर प्रॉब्लम यही है कि कार स्टार्ट नहीं हो रही थी यार। मैं धक्का मार के सोचा कि चालू कर लूँ, लेकिन वो फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। तो इसका मेन रीज़न यही है कि इसको मतलब बहुत दिन से चलाया नहीं था, तो उसके वजह से इसका बैटरी डाउन हो गया काफ़ी ज़्यादा, और ये बैटरी में से पानी भी, मतलब इसका बैटरी का जो वाटर रहता वो भी बहुत ज़्यादा निकल गया है। तो इट इज़ अ बिग रीज़न, दैट्स वाई माई कार इज़ नॉट स्टार्टेड। तो गाइस अभी मैं मतलब मेरे दोस्त को बोला हूँ गया है बैटरी लाने के लिए, तो बैटरी लाने के बाद इस पर टचअप करेंगे, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ इशू है नहीं, नई गाड़ी है। तो बस यार धक्का मार मार के देख रहे हो पसीना निकल गया। तो यार आज मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई मेरे सामने। ये धक्का मारने में मेरी मदद कर रहा था, और एक और बंदा था वो चले गया घर पे। तो अभी मैं मेरे दोस्त को बोला हूँ गया बैटरी लाने के लिए, तब तक गाड़ी यहीं पे खड़ी रहेगी, और उसके आने के बाद ही हम लोग प्रॉब्लम के ऊपर काम करेंगे। बस ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, 2 मिनट का काम है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन ट्राई करते हैं। यार सुबह सुबह बैठना पड़ गया, नहा धो के निकला था काम पर जाने के लिए, लेकिन कल और परसों 2 दिन नहीं चलने की वजह से सिस्टम हैंग हो गया। इसका बैटरी का भी पहले से इशू था, लेकिन अभी आज इसका बैटरी चेंज कर देंगे। जहाँ तक बार बार ऐसी प्रॉब्लम लेके कौन चलेगा यार, इतनी बड़ी बाइक तो है नहीं कि धक्का मार के चालू कर लेंगे, कार है, इसको धक्का मारने के लिए भी 3 लोग चाहिए। तो यार अगर ऐसी प्रॉब्लम है आप लोग को, तो आप लोग भी मतलब सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट सिस्टम से, जड़ से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देने। तो यार अभी वेट करते हैं थोड़ा आने तक, आने के बाद ही कुछ डिसाइड होगा। काफी ज्यादा कचरा बैठ गया, बैटरी उतर गया इसका, तो फाइनली गाइस अभी जो है मेरे कार का बैटरी डाउन हो चुका है। तो उसका एक ही प्रॉब्लम है कि सीधा बैटरी चेंज करना है। तो ये देखो ये बड़े भैया है मेरे, तो हाय बोल दो भैया। तो अभी जा रहे हैं हम लोग शॉप पे, वहाँ से न्यू बैटरी लेके आएंगे, फिर वहाँ से वो मैकेनिक को भी बोल देंगे भाई वहाँ पे आ जाओ, पंच वो खोलने के लिए जो रिंच लगता है ना वो सबके साथ सेटअप के साथ, तो आएंगे और चेंज करके जाएंगे। तो लेट्स गो, लेट्स मूव। फाइनली गाइस अभी मैं देखो बैटरी की दुकान पे आ गया था, तो यहाँ पे उसका शॉप जो है वो बंद है यार। तो यार काफ़ी ज़्यादा परेशानी पड़ रही है आज के दिन, तो देख दिखाते हैं ये वाला दुकान है ना उसका। तो गाइस अभी इसके शॉप पे मैं आया हूँ, तो ये शॉप अभी बंद है, तो ये नंबर पे हम लोग कॉल कर रहे हैं, अभी देखते हो कितने बजे तक आते हैं। तो यार सुबह पूरा दिन खराब हो गया, गाड़ी खड़ी है, कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी हो गई, उसके पहले भी परसों भी खड़ी थी, 3 दिन हो गया। तो उसका बैटरी का कुछ ज़्यादा इशू आ रहा था। तो फाइनली गाइस अभी बैटरी वाले जो भाई हैं वो आ गए हैं, तो बैटरी इसका चेंज करते हैं। मैं तो गया था चाबी लाने घर पे से,
अभी ओपन करता हूँ बोनेट। आ गया बैटरी, नया बैटरी आ गई। गाड़ी को कितना साल हुआ? अभी इसका हो गया 9 महीना, नहीं 1 साल होने को आ गया। एमरॉन की कंपनी, 1 साल में बैटरी। ये देखिए बडीज, एमरॉन कंपनी, 1 साल के अंदर गाड़ी खराब, बैटरी खराब। इससे एमरॉन वाले को टैग करूंगा मैं। सेम तो है, हाँ सेम तो है, 34 B29। एमरॉन कंपनी को इससे मैसेज चले जाएगा कितना बेकार बैटरी बनाते हो। ये मॉडल 34 B90 है। अभी जा रहा है एक्साइड का। अभी ये देखते हैं कितना साल चलता है। पानी टाइम टू टाइम चेक करो बेटी। इसको कितने महीने में चेक करना पड़ता है? एक से डेढ़ महीने में दिखा दो। सीएनजी गाड़ी है ना? हाँ, सीएनजी करंट भी चलती है। 1 से 1.5 महीने बैटरी दिखाओ आपके पास ही, कहीं पर भी दिखा दो उनको, जहाँ अच्छा लगे, मतलब नज़दीक जहाँ समझ में आवे। 1.5 महीना हो गया, पानी दिखा दो। कम रहेगा तो डलवाना, नहीं कम रहेगा तो लेना डाल कर दे। क्या पानी बैटरी पे, बैटरी सूख जाएगी, बैटरी ख़राब हो जाएगी। अच्छा, जब तक बैटरी का पानी नहीं सूखेगा तो जल्दी ख़राब नहीं होगा, पानी सूखने पर जल्दी ख़राब होगा। अरे पानी का लेवल इधर से दिखेगा, इधर से इसको खोलना पड़ेगा। नहीं, हाँ ये ढक्कन खोलना पड़ेगा। एक ही ढक्कन इसमें, इसमें ना, हाँ सब खोलना पड़ेगा भाई। एक से स्टार्ट करके देखो। गाइस अभी देखो स्टार्ट करता हूँ। अरे शिट, गियर में था यार। चलिए तो जो मतलब वो प्रॉब्लम बंद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गाइस कार रेडी हो चुकी है। तो भाई आए थे मतलब दुकान से बैटरी लेकर, तो अभी स्टार्ट करते हैं और जाते हैं धंधे पे। ये उसका वारंटी कार्ड और इसके अंदर उसका बिल है, तो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो प्रॉब्लम बहुत सारी आते रहेगी, डोंट वाई, अब रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहो, मूव है। तो चलो लेट्स गो स्टार्ट। तो यार एक कार्ड है जो ये, मैं इसको अच्छे से कर लेता हूँ। अभी ये देखिए, अभी एक नया प्रॉब्लम आ गया है इसके अंदर। हैंड ब्रेक डाउन है, लेकिन यहाँ पे हैंड ब्रेक दिख रहा है। एसी चालू है, एबीएस का कुछ इंडिकेटर आ रहा है, हैंड ब्रेक का आ रहा है। अभी ये क्या नई समस्या आ गई यार, शिट, एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, दूसरी प्रॉब्लम आ गई यार।
ऑन था तो अभी ऑफ हो गया गाइस। तो यार मतलब सिचुएशन यार क्या ही मैं बताऊं यार, एबीएस ऑन था, हैंड ब्रेक ऑन था, क्या ही बोलेंगे यार। मतलब मेरी लाइफ में यार प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है क्या यार, मैं मतलब प्रॉब्लम जो है वो सब मेरी लाइफ में आएगी यार। मतलब सुबह सुबह का मेरा पूरा दिन नुकसान हो गया। मैंने सोचा ट्राई करते हैं यार काम पे जाएंगे, तो यार सुबह बैटरी ने धोखा दे दिया अच्छा खासा। और बैटरी ने धोखा दिया तो ठीक, और अभी कार के अंदर प्रॉब्लम आ गया, हैंड ब्रेक डाउन होने के बाद भी हैंड ब्रेक का लोगो दिख रहा हुआ लाल दिख रहा था, फिर वो ऑटोमेटिक चले भी गया, ऐसी कोई बात नहीं है एबीएस का। लेकिन यार अभी थोड़ा अभी अपने पास बजट भी कम हो गया है, पैसा भी जो था वो खर्चा हो गया है। और यार मतलब क्या ही बताएं यार, साला दिन बहुत ख़राब चल रहा है यार गाइस। कार मतलब ठीक है, कार है, लेकिन यार अब मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा इसके ऊपर, क्योंकि बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है। और बैठ के भी, घर पे बैठ के भी उसका कुछ सिचुएशन हल थोड़ी निकलने वाला है यार गाइस, तो उसके लिए प्रॉब्लम के ऊपर काम किया जाए तभी वो सॉल्व होएगी। हार मानने वालों में से नहीं है यार, हार मान लेंगे, ऐसे ही आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो एक दिन सिस्टम फाड़ देंगे। आज वैगनार लेके रो रहे हैं, तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो देखेंगे आगे। वैसे सपने तो बहुत बड़े हैं, क्योंकि हम सपनों से डरने वाले नहीं है, प्रॉब्लम से डरने वाले नहीं है। अब प्रॉब्लम से डर जाए तो यार वो इंसान इंसान ही नहीं, करते रहेंगे यार, हार थोड़ी मानेंगे। किसी भी सूरत में इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। आप लोग ने देखा कि मेरे लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग के सपोर्ट की वजह से मैं रुका हुआ हूँ गाइस। आप लोग का प्यार है तभी ये है, ये बंदा है। आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए अपने इस छोटे से भाई को, बाकी तो भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी सब मैं सॉल्व कर दूंगा यार, आप लोग का बस सपोर्ट रहना चाहिए बस। तो बाय गाइस, अभी मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में, देखते हैं आगे।